खबर गया से है, जहां नगर प्रखंड के मदन बीघा पंचायत में मुखिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मिली भगत कर योजना की राशि गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। मदन बीघा पंचायत के पूर्व मुखिया नारायण प्रसाद ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखिया महादेव राम एवं मुखिया के समर्थक जितेंद्र कुमार यादव पर मिली भगत कर पंचायत की योजनाओं की राशि के गबन करने की जानकारी जिला पदाधिकारी गया एवं उप विकास आयुक्त गया को दी है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि चदौती प्रखंड के मदन बीघा पंचायत को 2016-17 में ODF मुक्त कर दिया गया था और इस पंचायत को स्वस्थ भारत मिशन के द्वारा इनाम भी दिया गया था। इसके बावजूद अभी तक प्रोत्साहन की राशि नहीं मिल पाई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी व मुखिया की मिली भगत से पैसे को खाते पर डाल कर निकाल लिया गया है और आवेदकों के द्वारा फर्जी तरीके से अंगूठा का निशान मशीन पर लगा दिया गया, जिसकी शिकायत जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को दी गई है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। उस पंचायत में हो रहे घोटाले की जानकारी जब पूर्व मुखिया ने वर्तमान सरपंच रामेश्वर प्रसाद को दिया तो रामेश्वर प्रसाद ने अपने स्तर से जाँच में पाया कि यह बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने अपने आवेदन में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराया कि PCC का निर्माण पैन भरकर किया गया है, जो नियम कानून के विरुद्ध है। लाला टोला में एक योजना को देखा जिसमें काफ़ी ऊंचाई पर नाले का निर्माण किया गया जिसका कोई उपयोग नहीं है और उसका पैसा 2,73,000 राशि निकाल लिया गया है और ₹8,83,000 की लागत से बने मदन बीघापुर से मदन मांझी के घर तक नाला निर्माण पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया जिसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने वार्ड नंबर 4 में नल योजना को देखा जिसमें पाइप ऊपर जमीन पर रखा हुआ है, कुछ पाइप अधूरा है जिसके कारण पानी अभी तक सारी जगह में नहीं पहुंच पाया है। ग्राम बहादुर बीघा वार्ड नंबर 8 में नल जल का कार्य अभी तक अधूरा है, लेकिन पैसा पूरा निकासी कर दिया गया है। सिमरिया में सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया गया, उसमें काफी अनियमितता है, उसके बावजूद भी राशि का निकासी कर लिया गया। मुखिया एवं एजेंट रंजीत यादव ने पंचायत के 82 लोगों के प्रोत्साहन राशि को फर्जी तरीके से गबन कर लिया गया है, जिसके कारण शौचालय का निर्माण अधूरा है, उसके खाते में आया पैसा लाभुक से लिया गया। मदन बीघा पंचायत के सच्चिदानंद यादव, विवेक कुमार, अशोक मिस्त्री ऐसे कई व्यक्तियों ने काम में गड़बड़ी होने की बातें बताई हैं। देखिए, यहाँ पूरा सिस्टम के दोष है, पूरा सिस्टम करप्ट और भ्रष्ट हो गया है। यहाँ जितने भी योजना है सब में भ्रष्टाचार है। जैसे नल जल है, हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में एक ही आदमी पाइप सप्लाई किया और एक ही आदमी सारा काम किया, लगभग काम किया। जो स्क्रेच पाइप होता है, घटिया किस्म का पाइप होता है, प्लास्टिक पाइप, उससे पूरे पंचायत में पानी सप्लाई किया गया। जबकि ये ड्रीम योजना था नीतीश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कि हर घर में शुद्ध पेयजल जाए। अब उसमें कैसे शुद्ध पेयजल जाएगा, वो स्क्रेच पाइप में तो पानी बदबूदार हो जाएगा। कार्ज नहीं है, कहीं टंकी नहीं, कहीं पाइप पूरा नहीं, किसी का नलजल घर में नहीं पहुंचा, मिला जुला के कोई कार्ज पूरा नहीं, लगभग कार्ज अधूरा है। सर, इंदिरा आवास में सर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। जो सर बड़े लोगों को इंदिरा आवास दिया गया, जिनको धनी मनी आदमी है, 2 तल्ला मकान है, 1 तल्ला मकान है, गाड़ी छकड़ा है, जो जमीन भी है, शहर में भी मकान है, उनको भी इंदिरा आवास दिया गया और हम लोग को इंदिरा आवास से नाम काट दिया गया। हम लोग एक बहुत सा गरीब आदमी है जिनको कोई कास्त नहीं है, मैं मजदूरी करके जीता बचता हूँ, है और सर मुझे नाम काट दिया इंदिरा आवास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल राम है। लिया गया था, ट्रांसफार्मर चोरी हुई नहीं, ट्रांसफार्मर जो के था वो थाना पर वो अभी है अवेलेबल जी, वो एक पोल से दूसरे पोल पर ले जाके रख दिया गया, चोर लोग गिरा दिया गया है। सही बात बोलिए जी, बोलिए कि एक पोल से दूसरे पोल, एक पोल से दूसरे पोल उठा के ले जाके रख दिया गया, चोरी नहीं हुई थी, चोरी नहीं हुए था। मनरेगा में पेड़ जो लगाया गया उसमें अभी जाके वर्तमान में देखिए एक भी पेड़ नहीं है और 3 लाख रुपया निकासी हो चुका है, 3 लाख रुपया गबन कर लिया। मजदूरी के नाम पर कोई मजदूर बहाल नहीं किया, मजदूरी के नाम पर मजदूरा का पैसा निकाल लिया गया है। शौचालय योजना में कुछ ईटा और कुछ सीमेंट थोड़ा सा दे करके पब्लिक को और कहा गया कि तुम्हारा शौचालय बनेगा, लेकिन एक मशीन लाया जिससे अंगूठा लिया और उस अंगूठे के बाद अंगूठा के निशान से उसका पैसा निकाल लिया गया। इसको पता भी नहीं है कि मेरा पैसा खाते में आया या नहीं, इसका फर्जी ढंग से सब पैसा निकाल करके माफिया लोग खा गए और उसका शौचालय अधूरा पड़ा है। बहुत कुछ आदमी को पूरा के पूरा पैसा निकल गया, लेकिन अभी तक के मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस पंचायत ODF हो गया है। पंचायत ODF होने के बावजूद भी हमारे पंचायत के लोग बाहर ही शौच के लिए जाते हैं। हमारा पंचायत मदन बीघा के महादेव राम मुखिया
वो गबन और घोटाला और लूट, ये तीनों चिकिए हैं। जैसे हमारे टीबॉल है, ये बता दिए सरकार के नज़र में कि हम टीबॉल चालू कर दिए हैं, पब्लिक का नज़र में है ही नहीं कि कभी चालू हुआ है, 200 वर्षों से ये टीबॉल बंद है। पर करीब साल भर पहले पैसा निकासी कर लिया गया, जिसकी सूचना पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। बाद में भी लोग लगता है 15 आवेदन भर जाकर के वीडियो को अपने से दिए ग्रामवासी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। जब RTI से लोग मांगे हैं तब कुछ जगह काम लगाए हैं, अब जबकि वह काम करने लायक भी नहीं है। उसका दरवाज़ा सही है, उसका खिड़की सही, उसका फर्श सही है, जानबूझकर के उसमें पैसा सुखाया जा रहा है, जबकि बहुत सारा पंचायत में काम है जहां राशि खर्च नहीं किया जा रहा। लोग तरस रहे हैं कि नाली जाम है, नाली साफ़ करवा दीजिए, थोड़ा सा नाली बढ़वा दीजिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। 32 बरस से लगभग ये मशीन बंद पड़ा है, हम लोग का मतलब ये जानकारी के अनुप्रांत कि इतना वर्षों से बंद पड़ा है। और उसके बाद SC ST अनुसूचित जनजाति थाना में भी FIR कर दिए हैं कि ये आवाज़ को दबा दें, और ये केस के बहाना ये अपना हमेशा लगाते रहते हैं। 3 बार FIR कर चुके हैं, 1 बार नहीं 3 बार हुआ। उसके बाद ये मरम्मती के नाम पर पैसा निकाल लिए, समुदाय भवन, मीरा बीघा, मोहन बीघा, कुआं का जो नलजल के विभाग से आया, हरियाली डिपार्टमेंट से कुआं का सफाईकरण और सोख्ता बनाने का, उसका पैसा गबन कर गए। शौचालय का पैसा, इसका मतलब शौचालय बना नहीं, उसका पैसा निकासी, उसको आज तक पता नहीं है शौचालय वाले को कि मेरा पैसा निकासी हुआ है, उसका पैसा गबन कर गए। और दमंगाई भी दिखाते हैं, जो कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं ऊपर में अधिकारी के पास, तो ये अपना दमंगाई दिखा कर उसको मारपीट भी करते हैं। आरोप लगाया गया है तथा आधारहीन है, क्योंकि अनुमति लेकर ही बिजली विभाग से अनुमति लिया गया है, हम देखा अनुमति लिया गया है और तब एक पोल से दूसरे पोल पर रखा गया, जिसका शिकायत हरिजन थाना में किया गया था, तो वहाँ भी हमने दिया है अपना स्टेटमेंट। ट्रांसफार्मर चोरी नहीं हुआ, बल्कि उतार करके एक पोल पर से दूसरे पोल रखा गया। आप यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं जी। सर, सरकार ने आपको योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है जी, उसमें आपका मुखिया के साथ पदेन सदस्य का भार दिया है देख रेख करने का, ये आपको मालूम है जी? है, लेकिन हम लोगों को नहीं पूछा जाता है। पंचायत में आप देख रेख कर रहे हैं इस चीज़ को कि क्या क्या वहाँ पे विकास किया जा रहा है? जनता द्वारा हमको शिकायत मिला, उस चीज़ का हम जांच किया, और जांचने के उपरांत हमने BPRO को दे दिया है अपना। क्या उसमें पाया है आपने? गलती पाया है, जो विकास सही से नहीं है। नहीं, विकास सही से नहीं है।